हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू रीड आउट एंड एक्सप्लेन पैराग्राफ्स फ्रॉम द चैप्टर द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसो डाउडेट। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ्स 12 एंड 13। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. यहाँ poor man actually जो हमारे teacher हैं M. Hamel, उनके बारे में कहा गया है। तो हमारा जो narrator है फ्रांच, वो exclaim करते हुए कहता कि poor man, बेचारा आदमी, आदमी मतलब हमारा teacher, बेचारा मेरा टीचर M. Hamel, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये जो आखिरी लेसन पढ़ाया जा रहा है इसके सम्मान में, डैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि उन्होंने अपने ये अच्छे संडे वाला क्लोथ्स को पहन रखा हुआ था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेज सिटिंग, कि जो विलेज के बूढ़े लोग थे वो क्यों बैठे हुए थे इन द बैक ऑफ द रूम, क्लासरूम के पीछे जो बूढ़े लोग बैठे हुए थे आज, वो क्यों बैठे हुए थे, ये बात भी मुझे समझ में आ गई। इट वॉज बिकॉज दे वे सॉरी, वो इसलिए बैठे हुए थे कि उन्हें खेद था, उन्हें दुख था, टू उन्हें भी दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि उन्हें वो भी स्कूल नहीं आए थे जितना उन्हें आना चाहिए था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका तरीका था हमारे टीचर को थैंक यू कहने का। किस बारे में थैंक यू कहने का? हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, हमारे टीचर ने बहुत ही वफादारी के साथ 40 साल तक सेवा किया था इस स्कूल का, इस सेवा के लिए वो लोग अपना थैंक यू कहने आए थे, एंड अब शोइंग द रिस्पेक्ट, और साथ ही साथ वो अपना सम्मान दिखाने आए थे उस कंट्री के बारे में, फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, उस कंट्री के बारे में जो अब उनका नहीं रहा, यानी अब अल्ज़ाइक और लॉरेन उनका नहीं रहा, अब ये तो प्रूशियन वालों का हो गया, इसलिए उन्होंने युद्ध में इसको जीत लिया है। तो जो बूढ़े आए थे वो दो पर्पज़ से आए थे, दो उद्देश्य था आने का, एक ये कि मिस्टर M. Hamel को वो लोग थैंक यू कहने आए थे अपने अंदाज में, इसलिए कि M. Hamel ने वहाँ पर अल्ज़ाइक में रहकर 40 सालों तक सेवा दिया था, और साथ ही साथ उस मुल्क को के ऑनर में वो आए थे, उसके सम्मान में आए थे जो मुल्क अब उनका नहीं रहा। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये तमाम बातों को सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरा नाम लिया गया। इट वॉज़ माई टर्न टू रिसाइट, और ये मेरा टर्न था, ये मेरी बारी थी कि मैं अब रिसाइट करूँ, यानी अपने लेसन को पढ़कर सुनाऊँ। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, वो बात जो कि मैं कहने का सक्षम नहीं हो पाया था, कौन सी बात? डैट, वही बात, ड्रेडफुल रूल, वही बात जो कि रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, ऑल थ्रू का मतलब फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, क्लास के पहले दिन से, और आज आखिरी क्लास हो रहा है, इस पूरे समय में मैं पार्टिसिपल का जो रूल था वो मेरे लिए ड्रेडफुल रहा है। पार्टिसिपल के जो कायदे कानून थे मेरे लिए बहुत ही डराने वाले थे, और मैं उसके कहने का सक्षम ही नहीं हुआ, और उसी चीज़ को कहा गया कि तुम खड़े हो जाओ, कहो वेरी लाउड एंड क्लियर। वो चीज़ जो मैं शुरू से आखिर तक आज तक मैं बता नहीं पाया, उसको लेकर डरता रहा, आज मुझे कहा जा रहा है कि वेरी लाउड एंड क्लियर उसको बोलो, चिल्लाकर साफ साफ बोलो, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और कहो बगैर मिस्टेक के। हमारा नरेटर प्रश्न के अंदाज में ये बात कह रहा है कि जो शख्स, जो स्टूडेंट के शुरू से आखिर तक पार्टिसिपल्स में कोई रुचि ही नहीं लिया, देखिए ना, उसको ही कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि भैया क्लियर क्लियर, लाउड लाउड सब चीज़ों को सुनाओ और गलती ना करो। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन जाहिर है मैं मिक्सड अप हो गया, मैं कन्फ्यूज हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले जो कुछ शब्द हमने कहा था उसी में मैं कन्फ्यूज हो गया, एंड स्टूड देयर, वहाँ खड़ा रहा होल्डिंग ऑन माई डेस्क, और अपने डेस्क को पकड़े हुए, माई हर्ट बीटिंग, मेरा जो हर्ट था वो बीट कर रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे हिम्मत भी नहीं हो रहा था कि मैं लुक अप करूँ। ये हमारा पैराग्राफ 12 एंड 13 एंड हुआ। अब हम लोग पैराग्राफ 14 में जा रहे हैं, ठीक है, नाउ कम टू द पैराग्राफ 14, ठीक है।
पैराग्राफ 14 में मैं एक बात आप लोगों को यहाँ बता दूँ, फिर आगे चलता हूँ। यहाँ पर देखिए जो प्रिटेंड है और यहाँ पर रिप्रोच है, ये दोनों तीन तीन नंबर हो गए हैं, तीन नंबर ये भी, तीन नंबर ये भी है। रिप्रोच का मतलब होता है ब्लेम करना, प्रिटेंड का माने नहीं लिखा हुआ है। पहले आप अपने कॉपी में प्रिटेंड का मतलब लिख लीजिए, मेक बिलीव विथ इंटेंट टू डिसीव। आप लिखें प्रिटेंड का मतलब होता है, प्रिटेंड PRETEND, प्रिटेंड का मतलब होता है मेक बिलीव, BELIEVE, बिलीव विथ इंटेंट, INTENT, इंटेंट टू डिसीव। मेक बिलीव विथ इंटेंट टू डिसीव, हिंदी में कहेंगे धोखा देने के इरादे से किसी को यकीन दिलाना, धोखा देने के इरादे से किसी को यकीन दिलाना। ये यहाँ पर नहीं है, आप लोग ऐड कर लेंगे। तो मैं पैराग्राफ 14 को पढ़ रहा हूँ। आई हर्ड MML से टू मी, मैंने सुना MML को मुझसे कहते हुए, आई won't scold यू, मैं तुम्हें बुरा भला नहीं कहूँगा, तुम पर गुस्सा नहीं दिखाऊँगा। लिटिल फ्रांच, यू मस्ट फील बैड enough, तुम खुद ही बहुत अपने आप में ख़राब महसूस कर रहे करना चाहिए तुमको। सी हाउ इट इज़, देखो देखो क्या हालत है, क्या हालत है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम लोगों की आदत है कि हर रोज़ हम लोग अपने आप से कहते हैं, बाह बाह हम लोग कहते हैं ना, जब किसी चीज़ पर हम लोग इरीटेट हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना छी, इस तरह से कहते हैं कि छी कितना ख़राब है। तो ये हमारी कितनी ख़राब आदत है छी, कि हम लोग हर रोज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर रोज़ हम लोग कहते हैं अपने आप को छी। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, इस बात पर छी धिक्कार है कि रोज़ हम लोग कहते हैं कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत बहुत टाइम है, प्लेंटी मैंने बहुत 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 टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, और कह देते हैं कि चलो आज क्या पढ़ने से फ़ायदा, मैं कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो वेयर वी हैव कम आउट, देखो कहाँ हम लोग आए हैं, कहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। डैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अलजैक, टीचर कहते हैं आह अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि डैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ अलजैक, अलजैक के साथ ये बड़ी परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ शी अलजैक के लिए आया है, जगह के लिए आया है शी यहाँ पर। तो ये अलजैक जो है ना, पुट ऑफ करना, पुट ऑफ करना मैंने किसी चीज़ को अगले दिन के लिए टाल देना। तो ये अलजैक की आदत रही है कि ये टालता रहा है सीखने की बातों को, टिल टुमारो, कि जब तक के कल ना आ जाए, जब तक के कल ना आ जाए। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, नाउ दोज फेलो, ये दोज फेलो कौन है, वो प्रूशियन आर्मी, वो प्रूशियन लोग जो इन पर शासन करने के लिए आए हैं। तो टीचर्स उन लोगों को कह रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि देखो अब क्या होगा। दोज फेलोज माने वो जो लोग आए हुए हैं बाहर से, आउट देयर जो कि बाहर दिख रहे हैं, विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उनको अधिकार मिला है कि अब वो तुमको कहेंगे हाउ इज़ इट, देखो कैसा होने वाला है। यू प्रिटेंड टू बी द फ्रेंच मैन, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम लोग फ्रेंच मैन होने का सिर्फ दिखावा करते रहे, दूसरों को धोखा देने के इरादे से यकीन दिलाते रहे कि देखो हम फ्रेंच मैन हैं, हम फ्रेंच मैन हैं, हम फ्रांसीसी हैं, लेकिन तुम लोग सचमुच के फ्रांसीसी नहीं थे। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ये तुम कहते रहे कि तुम फ्रांसीसी हो, लेकिन फिर भी न तुम अपना भाषा को बोल सकते हो, न अपने भाषा को तुम अब लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांच, अब फ्रांच की तरफ संबोधित करते हुए टीचर कह रहे हैं कि बट यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम सबसे ख़राब नहीं हो लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच, हम लोग सब जो है ना रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम लोग सब को चाहिए कि हम लोग भी अपने ऊपर कुछ इल्ज़ाम रखें और ज़्यादा इल्ज़ाम रखें, हम लोग भी दोषी हैं। रिप्रोच होना माने ब्लेम कहते हैं, दोषी होने को कहते हैं, हम लोग भी आज जो हुआ है उसके दोषी हम लोग भी हैं। चलिए अब हम लोग पैराग्राफ 15 के तरफ और 16 के तरफ बढ़ते हैं। आइए इस पैराग्राफ को देखा जाए। योर पेरेंट्स वेर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो माता पिता थे वे आर नॉट एंग्जियस इनफ, वो इतना ज़्यादा एंग्जियस नहीं होते थे, परेशान नहीं होते थे, फिक्र नहीं करते थे कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई करवाएं। टू हैव यू लर्न का मतलब तुम्हें पढ़ाई लिखाई करवाएं, ठीक है। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क, वो तो पसंद करते थे कि तुम्हें काम में लगा दें।
ऑन ए फॉर्म खेत में या कारखाने में मिल में सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी ताकि उनके पास कुछ और पैसा आ जाए एंड आई और मैं आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। तो फ्रेंच एमएमएल कह रहे हैं कि जहाँ तुम्हारे माता पिता का कसूर था कि वो तुम्हें पढ़ाई करने नहीं दे रहे थे, तुम्हें काम करवा के पैसा कमाना चाहते थे, तुम्हें खेत में भेजते थे, तुम्हें मिल में भेज देते थे काम करने के लिए, वहाँ मेरा भी कसूर था, मेरा भी कुछ दोष था, मेरा भी कुछ वहाँ मेरी भी खराबियाँ थीं। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझ पर भी इल्ज़ाम आता है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, जब तुम लोग पढ़ने आते थे तो मैं भी अक्सर तुमको अपने फूलों पर पानी देने के लिए भेज दिया करता था इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। क्या मैं तुम्हें नहीं भेजता था लेसन सिखाने के बजाय, तुम लोगों को मैं फूलों पर पानी देने के लिए भेज दिया करता था। एंड व्हाई आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करना जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो मैं तुम लोगों को छुट्टी नहीं दे दिया करता था। तो देखो एम हैमल भी अपने पर कसूर ले रहे हैं कि आज जो कुछ एल्ज़ेक लॉरेन में हुआ है कि उनसे उनका देश छिन गया, उनसे उनका भाषा छिन गया, तो जहाँ पर लोगों का कसूर था, जहाँ पर पेरेंट्स के कसूर थे, वहाँ टीचर भी कह रहा है मेरा भी कसूर था, हम भी पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं कोताही किए थे, तुम लोगों से अपने फूलों पर पानी छिड़कवा लेते थे, तुम लोगों को जब हम फिशिंग करने जाते थे तो तुम्हें हॉलीडे डिक्लेयर कर देते थे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। तब फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद दूसरी चीज़ों पर मिस्टर हैमल बोलते रहे टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और वो फ्रेंच लैंग्वेज पर बात करते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि ये जो है वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, फ्रांसीसी भाषा वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल। फ्रांसीसी भाषा सबसे साफ सुथरी भाषा है और मोस्ट लॉजिकल है, मतलब इसमें सब कुछ रीजनेबल बातें हैं, ठीक है ना। डैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस भाषा की हम लोग सुरक्षा करें, हिफाजत करें, एमोंग अस अपने बीच, एंड नेवर फॉरगेट इट। जो भी परिस्थितियाँ पैदा हो गई हों उसमें हमें अपने भाषा की गार्ड करना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई लोग इंस्लेव्ड हो जाते हैं, जब कोई लोग गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट ऑफ देयर लैंग्वेज, तब वो अपने लैंग्वेज को जितने दिनों तक होल्ड फास्ट करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, इट इज़ एज इफ, तो ये बात वैसे ही हो जाती है, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि ये उनके प्रिजन का चाबी हो जाता है। यानी अगर आप इंस्लेव हो गए, गुलामी के कैद में बंद हो गए, तो उस कैद से निकलने के लिए चाबी होती है आपको अपनी भाषा को, अपने सभ्यता को पकड़ के रखना। देन यू ओपेंड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब उन्होंने ग्रामर के किताब को खोला और रीड अस हम लोगों के लिए पढ़ना शुरू किया उस लेसन को, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और ये देखकर एहसास करके मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आज मैं कितना अच्छा चीज़ों को समझा था मैंने। All is said seemed so easy. आज हमारे टीचर जो कुछ का आज हमारे टीचर ने कहा हमारे लिए बिल्कुल सरल और बहुत सरल था। मैं भी सोचता हूँ that I had never listened so carefully. मैं भी सोचता हूँ कि मेरा भी कसूर था, मेरा भी दोष था कि हम अपने टीचर को केयरफुली सुनते नहीं थे। And that he had never explained anything with so much patience. और ये भी बात है कि इतना पेशेंस के साथ हमारे टीचर ने कभी भी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया था। आज इतना कुछ घट गया है लेकिन उसमें भी हमारे टीचर इतना पेशेंस के साथ वो चीज़ों को हमारे लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, ये कुल मिलाकर ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसा कि द पुअर मैन, फिर पुअर मैन मैंने टीचर, हमारे जो टीचर थे, वांटेड टू गिव अस ऑल, उन्होंने ये चाहा कि उनके अंदर जितना है ही न्यू, जितना जानते हो वो सब के सब हम लोग को दे दें बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इन आवर हेड्स, और सारे ज्ञान को हमारे सर के अंदर डाल दें एट वन स्ट्रोक, का मतलब एक अटेम्प्ट में।